डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी ग्राम रघुनाथपुरम में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। इसी के चलते गत रात्रि को सड़क दुर्घटनाओं में एक साथ 10 गोवंश की मौत हो गई। गोवंश की मौत से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया और इसी रोष के चलते ग्रामीणों ने डीडवाना पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ग्राम की सड़कों पर ब्रेकर लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में बताया कि ग्राम रघुनाथपुरम में आए दिन इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और बार बार प्रशासन से ग्राम में ब्रेकर लगाने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इसी का नतीजा है कि गत रात्रि को 10 गोवंश सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने मुख्य सड़क मार्ग पर ब्रेकर लगाने की मांग की है और इसी मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। बोलो। देखिए, कल रात ग्राम पंचायत गोदराज के ग्राम रघुनाथपुरा, जिसमें से डीडवाना से नागौर जाने वाली मुख्य मार्ग से गुजरती है, जहां पर रात को बारिश के समय में आवारा पशु सड़क पर बैठ जाते हैं और उसकी वजह से जगह जगह दुर्घटनाएं रोज़ हर दिन दुर्घटनाएं होती है, और इसके बावजूद भी प्रशासन को बार बार ब्रेकर बनाने के लिए अवगत करवाया गया, लेकिन आज दिन तक विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, केवल अनुशासन के अलावा। और रात को ही घटना है कि रात 10-10:30 बजे के बाद 10 गायें से ज़्यादा को एक्सीडेंट में मार दिया गया, जिनको हाईवे वालों ने उठाकर दूसरी सड़क के दूसरे किनारे पटक दिया, जो ग्रामीणों के लिए एक समस्या या दुर्गंध आने की भी समस्या होगी इस बारिश के मौसम में, और बीमारी फैलने की भी समस्या रहेगी। तो सबसे पहले तो ये निवेदन है कि जो गायें मरी गई है उनको विभाग द्वारा या प्रशासन द्वारा उन गायों को खड्डा खोद कर गाड़ा जाए और बाकी ब्रेकर अति आवश्यकता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए उचित कार्रवाई करें। हमें आज SDM साहब को ज्ञापन दिया है जन सुनवाई के अंदर, तो स्टूडेंट शासन भी आज अवशासन दिया है कि भाई जल्द इस पर कार्रवाई करते हैं।